दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे Redmi के 9 पावर स्मार्टफोन को नार्जो के 20 स्मार्टफोन से और माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 स्मार्टफोन से। अब दोस्तों Redmi का 9 पावर स्मार्टफोन है ये इंडिया के अंदर 17 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है, लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन पहले कई सारे कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है तो उसके सारे स्पेक्स क्लियर होकर सामने आ चुके हैं। अब दोस्तों जो और इसकी जो प्राइस रहने वाली है दोस्तों इसकी जो प्राइस 10 से 11 हज़ार रुपये के आसपास रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं नार्जो के 20 स्मार्टफोन, तो ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो आपको 10,500 रुपये देखने को मिल जाती है, जो कि 4 GB रैम और 64 GB के इंटरनल स्टोरेज साथ आपको देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 स्मार्टफोन, तो ये स्मार्टफोन भी इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 11,000 रुपये रखी गई है 4 GB रैम और 64 GB वाले इंटरनल स्टोरेज के। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फुल कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि तीनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर है और कौन से स्मार्टफोन आप परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi के 9 पावर स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.53 इंचेज का वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि फुल एच डी प्लस के रिजोल्यूशन के साथ आता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको IPS का LCD डिस्प्ले यूज किया गया है जिसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो 395 PPI की देखने को मिल जाती है। अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं नार्जो के 20 स्मार्टफोन में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 6.5 इंचेज का वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है और दोस्तों यहाँ पे आपको HD+ का रिजोल्यूशन देखने को मिलता है और डिस्प्ले यहाँ पे IPS का LCD यूज़ किया गया जिसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो 270 PPI की देखने को मिल जाती है। अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 स्मार्टफोन, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेज का फुल HD+ का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि IPS का LCD पैनल के साथ आता है और यहाँ पे आपको 395 PPI की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। अब अगर बात कर लेते हैं कि इन तीनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन जो डिस्प्ले हो ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन तीनों स्मार्टफोन में किस स्मार्टफोन का डिस्प्ले का साइज सबसे बड़ा है। दोस्तों यहाँ पे सबसे आपको बड़ी साइज डिस्प्ले की साइज देखने को मिल जाती है माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 में जो कि 6.67 इंचेज की है, जबकि नार्जो के 20 में आपको 6.5 इंचेज के और रेडमी के 9 पावर में भी आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात लेते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा किसमें बेहतर है, दोस्तों जो रेडमी का 9 पावर है और माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 है यहाँ पे आपको डिस्प्ले की क्वालिटी सेम मिल जाती है। दोस्तों दोनों में ही आपको फुल HD+ का रिजोल्यूशन देखने को मिलता है और दोनों में ही IPS का LCD पैनल यूज किया गया है। दोस्तों डिस्प्ले दोनों बिल्कुल आपको सेम मिलने वाली है जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, लेकिन दोस्तों जो नार्जो का 20 है डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा पिछड़ जाता है कि दोस्तों यहाँ पे आपको केवल HD+ का डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो रेडमी के 9 पावर स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 662 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है और 11 NM के फैब्रिकेशन प्रोसेसर पे बेस्ड है। बात कर लेते हैं इसकी CPU, तो इसके जो प्राइमरी 4 कोर है 2 GHz पे क्लाउड किए गए हैं जो कि कॉटेक्स A73 पे काम करते हैं, जो बाकी बचे हुए 4 कोर है ये 1.8 GHz पे क्लाउड किए गए हैं जो कि कॉटेक्स A53 पे काम करते हैं। GPU की बात कर लेते तो यहाँ पे आपको एड्रेनो का 610 वाला GPU देखने को मिल जाता है। अब प्रोसेसर की बात कर लेते हैं नार्जो के 20 स्मार्टफोन, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलो का G85 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है और बात कर लेते हैं यहाँ पे CPU की, इसके जो प्राइमरी 2 कोर है 2 GHz पे क्लॉक किए गए हैं और कॉटेक्स A75 पे काम करते हैं, जो बाकी बचे हुए 6 कोर है ये भी 2 GHz पे क्लॉक किए गए हैं और ये कॉटेक्स A55 पे काम करते हैं। बात कर लेते हैं GPU, तो यहाँ पे आपको माली का G52 MC2 वाला GPU देखने को मिल जाता है। अब प्रोसेसर की बात कर लेते हैं माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 स्मार्टफोन, तो यहाँ पे भी आपको मीडियाटेक का हीलो का G85 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब अगर यहाँ पे बात करते हैं कि इन तीनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन जो प्रोसेसर हो ज़्यादा बेहतर है, तो दोस्तों जो नार्जो का 20 है और माइक्रोमैक्स का इन नोटों में यहाँ तो आपको बिल्कुल सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि मीडियाटेक का हीलो का G85। अब दोस्तों हम इसको कंपेयर कर लेते हैं रेडमी के 9 पावर से जो कि है स्नैपड्रैगन का 662। दोस्तों जो स्नैपड्रैगन का 662 है इससे काफ़ी अच्छी आपको स्पीड देखने को मिल जाती है मीडियाटेक के हीलो के G85 में जो कि नार्जो के 20 और माइक्रोमैक्स के इन नोटों में यूज किया गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर CPU देखने को मिल जाते हैं और अगर CPU ज़्यादा बेहतर हो यहाँ पे आपको क्लॉक स्पीड तो लगभग सिमिलर देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे CPU आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पे स्पीड आपको बिल्कुल सी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कैमरे की, तो Redmi के 9 पावर स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 48 MP के मेन कैमरे के साथ आता है, प्लस 8 MP कैमरा आपको वाइड एंगल के लिए देखने को मिल जाता है, प्लस 2 MP कैमरा आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। अब कैमरे की बात कर लेते हैं नार्जो की 20 स्मार्टफोन, तो यहाँ पे भी आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 48 MP के मेन कैमरे के साथ आता है, प्लस 8 MP कैमरा आपको वाइड एंगल के लिए, प्लस 2 MP कैमरा आपको मैक्रो फोटोग्राफी के लिए देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। अब कैमरे की बात कर लेते हैं माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 स्मार्टफोन, तो यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको 48 MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, प्लस 5 MP कैमरा आपको वाइड एंगल, प्लस 2 MP कैमरा माइक्रो फोटोग्राफी के लिए, प्लस 2 MP आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है।
लेकिन दोस्तों अगर यहीं पे अगर बात कर लेते हैं कि तीनों स्मार्टफोन से किस स्मार्टफोन जो कैमरा हो ज़्यादा बेहतर है, दोस्तों तीनों स्मार्टफोन का जो रियर कैमरे का मेन सेंसर है वो तीनों में ही आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों माइक्रोमैक्स की इन नोटों में आपको एक एक्स्ट्रा कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि चौथा कैमरा है, और बाकी रियर कैमरा तीनों स्मार्टफोन में आपको जो मेन कैमरा बिल्कुल सेम देखने को मिल जाता है। बात लेते हैं फ्रंट में, तो फ्रंट में रेडमी के 9 पावर और नार्जो के 20 स्मार्टफोन में आपको 8-8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जबकि माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों कैमरे के मामले में माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 थोड़ा सा आगे निकलता दिख रहा है। अब दोस्तों बात लेते हैं बैटरी की, तो रेडमी के 9 पावर स्मार्टफोन में आपको 6000 एमएएच की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस 18 वाट का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, साथ में आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात लेते हैं नार्जो की 20 में, तो यहाँ पे भी आपको 6000 एमएएच की एक बड़ी बैटरी प्लस 18 वाट का फास्ट चार्जर प्लस आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात लेते हैं माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 में, तो यहाँ पे आपको 5000 एमएएच की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है प्लस 18 वाट का फास्ट चार्जर प्लस टाइप सी। अब दोस्तों बैटरी के मामले में, बैटरी कैपेसिटी के मामले में रेडमी का 9 पावर नार्जो का 20 बिल्कुल सेम है जो कि 6000 एमएएच है, यहाँ पे माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 थोड़ा सा पीछे रह जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको 5000 एमएएच की एक बड़ी बैटरी मिलती है, लेकिन दोस्तों बैटरी के चार्जिंग जो स्पीड हो तीनों में ही बिल्कुल आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है जो कि 18 वाट, और तीनों में ही आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।